यार ही मेरे हाथ में, इसे काटते हैं वो दरख्त जो हमने पैरट्स की जगह बनानी है उसके ऊपर, और दरख्त वगैरह उनके पेज में लगाएंगे। चलें दिखाते हैं आपको, बड़े खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा, यूनिक सा। ये चेक करें, सागे भी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से एक शाख काटनी है उन्हें। वो जो ऊपर वाली उस साइड पे एक हौसला बना हुआ वाले नहीं, जो उस साइड पे है ना, वो शाख हम काटेंगे, काट के उनके केज में लगाएंगे पैरट्स के। नेचुरल सा माहौल उनका बनाना है क्योंकि उनको दूसरे केज में छोड़ना है, बड़े वाले पैरट्स भी छोटे भी उनके साथ ही, तो वो ताकि उसमें रहें सही से। ये साथ वाली नीचे गिरा दी है, अब इसे कौन उठाएगा? फेंकू मैं ऊपर? दोस्तों ये वहां से साके भी निकाल लिया लेकिन वहां के अटक गया, अब नीचे आने का ऐसा कोई हल नहीं समझ आ रहा। थोड़ा और मारो, आगे करो पाँव थोड़ा, एक सेकंड मैं इसको शॉक पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, ये तो टूटी गई, आ गया हाथ पे बट टूटी। दोस्तों इसको वहाँ से यहाँ तक खींच के लाने तक सांस फूल चुकी है, अब इसको काटते हैं। यहाँ से इसकी कुछ शाखें हमें बनानी है, कुछ एक्स्ट्रा जिसके ऊपर पत्ते लगे हैं वो काट के कुछ सेंटर में इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करनी है जहाँ पे हमारे पैरट्स ना बैठ सकें। चलें दिखाते हैं आपको, अब यहाँ से काटो, इस वाली को भी यहाँ से काट दो, यहाँ से, यहाँ वो हमारे पैरट्स बैठेंगे। वो नहीं है, वो उसको छोड़ दो ना, अच्छा छोटी सी है, बस बस इनको रहने दो, इनको रहने दो, इनको रहने दो, इनको ना काटना, इनको ना काटो, छोटी को ना काटो, अब उस बड़ी वाली को वहाँ से काट दो। चेक करें दोस्तों, इसके पत्ते खाने हैं, हमारी बकरी पहुँच चुकी है और वो इसके पत्ते खा रही है। ये इससे काम आ गए और ये जो था हमारा काम आ गया। ये साके भी ने फाइनली टोटल काट दिया है, इसको अब दिखाते हैं आपको वहाँ जाके सेटिंग का। साके भी थोड़ा सा खड़ा करना है इसको भी, इसे पकड़ के। ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बना है, देखें आप, यहाँ हमारे पैरट्स बैठेंगे इस पर, देख सकते हैं आप, बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन बन गया इसका। खा लो, ये भी खा लो, इसका बच्चा भी आ रहा है, वो सामने पीछे खड़ा है। अच्छा तो यार ये आ गया मेरे हाथ में झाड़ू, अब उसकी रहेगी थोड़ी सुंदर से सफाई, वो क्योंकि हमारे चिक्स वहाँ हुआ करते थे ना, उसको वहाँ से साफ़ करते हैं, साफ़ करके उसके बाद वो जो लकड़ी की सेटिंग है वहाँ उसके अंदर करते हैं। यार हमारे चिक्स ना अब बड़े हो गए थे तो मेरा दिल था उनको उनके केज में इनकी सेटिंग कर देते हैं, चिक्स को किसी और केज में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे ग्रीन वाले पैरट्स हैं वो बजीज के केज में हैं 2-3 दिन से, तो इसलिए मैंने कहा उनकी सेटिंग इस पर हो जाए, ठीक है, और वो जो बच्चे भी थे हमारे वो भी इनके साथ शिफ्ट करते हैं इस केज में। यार ये ना थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये इसके अंदर सही से नहीं आ रहा है, क्या इसके अंदर सही से फिटिंग इसकी नहीं हो रही, थोड़ा सा इसको और काटते हैं मज़ीद, इंशाल्लाह इसका वो गड़ा जो है कंप्लीट हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा काट के अब उसके अंदर शिफ्ट करते हैं, अब मुझे उम्मीद है ये सारा आ जाएगा उसके अंदर। अच्छा तो दोस्तों चेक करेंगे, फाइनली सेट हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा मुझे नीचे से काटना पड़ा था, ऊपर इसकी हाइट इतनी नहीं थी, तो अभी यहाँ इस साइड पर इनका खाना भी लटक जाएगा और इनके साथ वो बॉक्सेस भी हो जाएंगे एग्स वाले, ये जो हमारा ब्रीडर पेयर है इसको यहाँ छोड़ना है। अब इसकी काफ़ी अच्छी सेटिंग हो चुकी है, अब इनको छोड़ते हैं अंदर, यहाँ इनके बर्तन वगैरह आ जाएंगे खाने वाले और मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। अच्छा दोस्तों सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ दें कि जो कल हमारा पैरट जो निकल गया था, उड़ गया था, वो आज सुबह सुबह वापसी घर आ गया फाइनली, तो उतर नहीं रहा था। साकिब ने भाई ने बड़ी टेक्निक से उसको ना एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ लगा के दूसरा पैरट उसके ऊपर बिठा के, वो ऊपर दरख्त पे हाइट पे था तो वो सामने किया तो वो उसके ऊपर आके बैठ गया, तो इस वजह से उन्होंने नीचे उतार लिया वो पैरट्स, तो वो आज केज में बंद है। अब वो दूसरे पैरट्स भी इस केज में शिफ्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, चलें। ये इनका रेडी हो चुका है साइड वाला केज। दोस्तों ये 3 पैरट्स आके भाई ले हैं, एक बड़ी वाली फीमेल और 2 जो थे हमारे पट्टे वो आ गए हैं, देख सकते हैं इस केज में। ये दोस्तों इस रुमाल में चेक करें, हमारा बड़े वाला पैरट्स है जो काटता है, देखें आप भी, ये मुंह खोल रहा है, तो वो दूसरे सागे भाई के हाथ में हैं 2। 3 हमारे पहले पहुंच चुके हैं और 2 हमारे 5 इसमें पूरे हो गए हैं, अब इस केज में ये सारे रहेंगे एक साथ। दोस्तों हमारे सारे पैरट्स पहुंच गए हैं इस केज में, अब इन्हें कोई मसला नहीं, अब जो हमारे छोटे चिक्स थे उनको करना ये है कि पहले तो उनको मैं सीरियल एक्स दे रहा था, वो बड़े हो गए हैं तो अब उनको कोई भी फ्रूट्स जो है ना छोटे छोटे काट के, जैसे आप एप्पल कह लें, बनाना कह लें, छोटी छोटी बाइट उनके सामने रख दें तो वो ईजिली खुद खाएंगे। और मज़े की बात, जो हमारी ये बड़ी वाली फीमेल है, कल मैंने देखा है बाजरा उठा के
वो जो छोटे बच्चे के मुंह में डाल रही थी, ये भी इनका काफ़ी ख्याल करते हैं, तो अब इनको कोई टेंशन नहीं है और अभी ये वैसे भी बड़े हो चुके हैं, अब यहाँ इस केज में शिफ्ट हो गए हैं ये। वैसे तो यार दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल बारिश होगी जी सुबह, इसलिए मौसम नॉर्मल रहा, जो आज दिन का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप जो है ना बहुत सख्त है, तो परिंदों को डालते हैं आप पानी। अच्छा तो यार ठंडे पानी की बाल्टी में घर से लेके आया इनके लिए भर के, इनको अब डालते हैं पानी इनके। वो सामने भी कुछ पड़े हुए हैं बाउल, वो देखें आप गहना फाल खड़ी हैं हमारी, बाकी सब केज में पानी गिराते बहुत हैं परिंदे, तो इन सब को डालते हैं आप। चूजे सारे आगे देखे पाँव पे भी खड़े हो गए, इसको रख देते हैं आज नीचे ताकि ये भी इजली पी सकें। ये लो ये लास्ट पे है पीकॉक वाला, ये भी काफ़ी गंदा कर देते हैं दूसरे बार से आके, क्योंकि डॉग्स यहाँ बैठी रहती हैं ना। ये आगे ब्लैक वाली, ये लो खाओगे। अच्छा तो यार कल शाम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ रैबिट्स की वजह से, मुझे ये शक था कि यार वो बड़े हो चुके हैं, अब उन्होंने आंखें खोल ली हैं, चल सकते हैं, हो सकता है उनकी जो फीमेल है उनकी हमारी जो खरगोशनी उसने कहीं उनको शिफ्ट कर दी हो, कहीं निकाला हो, बट मुझे निकलते हुए वो नज़र नहीं आए, शाम को भी नज़र नहीं आए, अब भी ये यहाँ बैठे हुए हैं जो बड़े वाले हमारे रैबिट्स हैं देखें आप, बट वो यहाँ नहीं इनके पास। मैंने यहाँ ये पूरी जगह सारी मैंने छान मारी उस साइड से लेके वहाँ तक, वहाँ हर जगह पे किया, केज के बाहर भी कहीं जाके देखा, हो सकता है किसी चीज़ ने पकड़े हों उनके बाल वगैरह कुछ करे हों, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको कुछ चीज़ पकड़ ही नहीं सकती थी अंदर, बिल से ना बिल से इनको ये निकाल के लाए होंगे कहीं, तो मेरे माइंड में अभी भी यही बात है, बट मुझे नज़र नहीं आ रहे वो कल शाम से। अच्छा तो यार कल जो हमें फीमेल मिली थी अंडों समेत, वो अंडों पे नहीं बैठ रही, उसको यहाँ केज पे शिफ्ट किया था, बाहर वो बैठी हुई थी, तो कल मैंने देखा शाम को वहीं जाके बाहर बैठ गई अंडों के बगैर, जहाँ से हम अंडे उसके उठा के लाए थे, तो अब अंडे उसके मैंने यहाँ इसलिए रखे थे क्योंकि मौसम में कोई पता नहीं होता, बाज़ उनकी अलाबारी भी आ जाती है, और वैसे ओपन थी जगह तो वो नहीं बैठ रही, उसको कैसे करते हैं किसी और मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं उसको, तो उसको वैसे छोड़ देते हैं, वो दोबारा मुर्गी के साथ क्रॉस करवा के दोबारा अंडे शंडे देगी वो, तो अब उसके अंडे वहीं पड़े हुए हैं, वो सामने देख सकते हैं उस टोकरी में, तो वो अभी यहाँ बैठी है, कल से नहीं बैठ रही, मैंने ट्राई किया बिठाने पर, रात को फिर बिठाई बट वो नहीं बैठ रही, यहीं से उठ गई। हमारे टर्की मेल्स और फीमेल आज ठंडी जगह में, गर्मी बहुत ज़्यादा इनको, तो ये नीचे जो पौधे का देख सकते हैं आप, जो इधर हुजम सा है थोड़ा सा, यहाँ ये पानी खड़ा था, तो नीचे ये ठंडी जगह है, यहाँ ये आज इन्जॉय कर रहे हैं खड़े होकर। तो यार पानी इनको डाल लिया और ये सब फ्रेश बैठे हुए थे, पानी में पी लेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज के व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होते हैं।